नवी मुंबई नेटवर्क। लखीमपुर खीरी हिंसा में किसानों की निर्मम हत्या के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ आज आम आदमी पार्टी नवी मुंबई द्वारा वाशी छत्रपति शिवाजी महाराज चौक में आक्रोश आंदोलन छिड़ा गया। इस दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हाथों में फलक लेकर इतने दिनों बाद भी दोषियों पर कार्रवाई न होने पर अपना रोष जताया। वहीं मंत्री के इस्तीफे और बेटे की गिरफ्तारी की उन्होंने मांग की। इस दौरान इस प्रदर्शन में आम आदमी पार्टी नवी मुंबई के कार्यकारी अध्यक्ष श्याम भाव कदम, उपाध्यक्ष प्रीति शिंदेकर, उपाध्यक्ष सुधीर पांडे आदि तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान आप पदाधिकारियों ने अपना आक्रोश जताते हुए केंद्र सरकार का धिक्कार किया। शेतकरी विचारे काय मागतात ते फक्त न्याय हक्कासाठी शांततापूर्ण आंदोलन करतात। मिनिमम सपोर्ट प्राइस देणार हे भाजपच्या जाहीरनाम्यामधले जे मेन पॉइंट आहेत त्याच्यामधला एक मुख्य कलम हे आहे की स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारसीप्रमाणे शेतीमालाच्या प्रोडक्शन कॉस्टच्या आम्ही 1.5% आम्ही तुम्हाला मिनिमम सपोर्ट प्राइस देऊ। पण ते आज त्यांनी जे ते स्वतः असं क्लेम करत की आम्ही खूप क्रांतिकारक 3 कायदे आणलेत, पण त्या 3 कायद्यामध्ये कुठेही हा MSPचा उल्लेख नाही। तर MSPचा उल्लेख नाही म्हणजे हे तुम्ही कायदे पूर्णपणे तुम्ही प्रायव्हेट प्लेयरसाठीच बनवलेले आहेत आणि तुम्हाला APMC पण संपायचं आहे। जर झिरो करप्शनवाला जर गव्हर्नमेंट आलं तर चुटकीसाठी मिटू शकते आणि शेतकऱ्यांना न्याय मिळू शकतो। उत्तर प्रदेशमध्ये झालेल्या लखीमपूर इथे शेतकरी हत्याकांड झालेला आहे, त्याचा निषेध करून आक्रोश आंदोलन इथे करत आहे। देशभरात सगळी जनता शेतकरी खूप या परिस्थितीमुळे गंभीर तीव्र परिस्थिती झाल्यामुळे गंभीर त्यांच्यावर भीतीचं वातावरण झालं आहे की कोणी आंदोलन करायचं नाही। आज तिथे शेतकऱ्यांची हत्या झालेली आहे, आक्रोश तिथे उत्तर प्रदेश पूर्ण देश बघतो आहे की न्यायाची अपेक्षा करतोय। देशामध्ये जय जवान जय किसान असताना हा नारा असताना जर शेतकऱ्यांची हत्या होत असेल तर अशी तानेशाही हुकुमशाही BJP सरकार हटाओ आणि देश शेतकरी बचाओ असं माझं म्हणणं राहील। जसं आप देख रहे हैं कि ये जो सत्ता है और ये मोदी की सरकार है ये हमारे रक्षक माने जाते हैं पर ये भक्षक बन गए हैं। इनके दिल में कोई दया नहीं, धर्म नहीं। किसान जो हमारा अन्नदाता है, जो हमारे लिए अन्न उगाता है, बिना उसके हमारी दाल रोटी चल नहीं सकती। और इतने किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उनकी असली समस्याओं को समझने के बजाय उनके ऊपर वो प्राणघातक हमला करवाते हैं, वो भी पीछे से कायरों की तरह छुप के पीछे से गाड़ी लाकर। और जिसको सजा देनी चाहिए वो आदमी घूम रहा है, अभी तक जेल के सलाखों के पीछे नहीं गया है। मतलब इनकी सरकार का मैं सप्ताह पाप का घड़ा भी भर चुका है। वही किसानों की तरफ से सरकार को इशारा देते हुए कहा गया कि अब सब्र का इम्तिहान और ना लें, क्योंकि गद्दी में बैठे सरकार को गिराने की ताकत किसानों में है। किसानों पर अत्याचार होते आए हैं, अंग्रेजों के पहले भी, अंग्रेजों ने भी किए और उसके बाद भी सरकारें आज तक इस किसानों पर अत्याचार करते आई है। ये सरकार क्या सोचती है कि गाड़ी चढ़ाने से किसानों का हौसला रुक जाएगा या टूट जाएगा? अरे एक जाएंगे, हजार आएंगे, हम उनके साथ में खड़े रहेंगे। और देश के अंदर में ये आंदोलन अपने मूल मुद्दे जो MSP है, जो किसानों के लिए मंडियों के अंदर में खरीद है, जब तक ये पूरा नहीं हो जाता है, जब तक चाहे ये कितने भी एलिगेशन लगा ले, चाहे ये कितने भी अत्याचार कर ले, चाहे कैसा भी तोड़ने के लिए कोशिश कर ले, किसान अब टूटने वाला नहीं है। और किसान बिल्कुल जो किसानों के लिए गलत बोलेगा, चाहे वो गृह राज्य मंत्री हो, जो किसानों पर अत्याचार करेगा, चाहे उसके वो बेटे हो, कभी हरियाणा की सरकार के BJP के लोग बोलते हैं, कभी उत्तर प्रदेश की सरकार के BJP के लोग बोलते हैं, अरे समझ क्या रखा है आपने? चंद दिनों के लिए आपको सत्ता मिली है, याद रखिए, ये किसान देश का जाग उठा है, आपको छोड़ेगा नहीं। और इस बार किसान की खुद की सरकार बनेगी, भारत माता की। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी मुंबई नेटवर्क। डू यू एस्पायर टू अपग्रेड योर लिविंग विद अरिहंत अद्विका, सेक्टर 9, वाशी? अपग्रेड टू आइकॉनिक रेजिडेंशियल टावर,